नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे, मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। दमो जिला अस्पताल में फैली है अव्यवस्था, दमो कलेक्टर ने जताई नाराजगी। अवैध रूप से शराब लेकर जा रहे दो युवकों को पकड़ा भगवती मानव कल्याण संगठन ने। नैमी नगर में किया गया महाआरती का आयोजन, पत्नी के साथ रक्तदान करके दीपक जैन ने मनाया जन्मदिन, दमो कलेक्टर ने भी किया रक्तदान। खबरों में हम बात करते हैं दमो जिले के बटियागढ़ की, जहां पर भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा महाआरती की जाती है। महाआरती के बाद तमाम जो शिष्यगण हैं शक्तिपुत्र महाराज के, वे अपने वापस जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में एक बाइक पर दो युवक जा रहे थे जो अवैध शराब लेकर घूम रहे थे। बताया जाता है कि इनके द्वारा अवैध रूप से शराब बेचने का काम भी किया जाता है, सप्लाई भी की जाती है। इसी बीच इन्हें पकड़ लिया गया। क्या पूरा मामला है आइए। हम लोग आरती क्रम के लिए जा रहे थे, तो एक आरती हम लोगों ने की संपन्न हुई, उसका समापन हुआ। दूसरी आरती के लिए हम जा रहे थे, कुछ लोग पड़ गए थे तो हम लोग पीछे थे। ये लोग शराब लेके जा रहे थे तो इन लोगों ने हम लोगों को देखा, ये लोग भागने लगे तो हम लोगों ने इन लोगों को रोका। इन लोगों ने अपनी गाड़ी पाठक ढाबा में घोंस दी थी, तो हम लोगों ने वहीं पर इन लोगों को रोका। कितनी है शराब इन लोगों के पास? दो पेटी। किस वाहन से ले जा रहे थे लोग? गाड़ी से, मोटरसाइकिल से। आप क्या कहना चाहते हैं शराब के बारे में? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि अबे शराब ये गाँव में पहुँचा रहे हैं ये लोग, तो सरकार से हम लोगों का हाथ जोड़ के अनुरोध है कि भैया ये अबे शराब बंद की जाए, गाँव गाँव ना बिकवाएं, क्योंकि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी रातों रातों जाग जाग के ये काम कर रहा है। सरकार क्यों सो रही है? वो भी अपना घर के बजाय हिंदू राष्ट्र भारत देश क्यों कह रहे हैं बनाए। पूरा नाम? बंटी राज। पिताजी का? कहाँ के निवासी? यार शराब कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? आई नहीं बिल्कुल। कितनी है शराब? दो पेटी। किस वाहन से ले जा रहे थे? मोटरसाइकिल। आपके पास इसका लाइसेंस से मैच का? आपका क्या नाम है? जम रहा है। कहाँ के निवासी हो? कुटीला। पिताजी को? ऐसा कहा है। सर आप कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? बेलखेरी। कितनी है सर? दो पेटी मसाला। आपके पास इसके कागजात हैं बेचने का? नहीं। संगठन वालों ने पकड़ा है, किसी ने मारा पीटा तो नहीं है? संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज। रक्तदान के क्षेत्र में एक ऐसा नाम जो लगातार रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित भी करते हैं, लगातार रक्तदान भी करते हैं, ऐसा एक नाम है दीपक जैन का, जो प्रत्येक जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह या फिर किसी को भी जरूरत हो तत्काल वह रक्तदान कर देते हैं। आज उनके जन्मदिन पर जहां उनकी पत्नी के द्वारा रक्तदान किया गया, तो वहीं दमो कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा भी रक्तदान करके लोगों को प्रेरित करने का काम किया गया। दमो कलेक्टर लगातार दीपक जैन की तारीफ करते हैं क्योंकि उनके द्वारा देह दान का भी संकल्प लिया गया है। इसके अलावा लगातार वह रक्तदान करते हैं। दमो के रहने वाले दीपक जैन लगातार लगभग 43 बार अब तक रक्तदान कर चुके हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लगातार वह रक्तदान करने के लिए जिला अस्पताल पहुँचते हैं। आज उनके शुभचिंतकों के द्वारा जहाँ जन्मदिन की बधाई दी, तो वहीं उनके द्वारा जो रक्तदान किया जा रहा है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। क्या कहना है दमो कलेक्टर का आइए आपको सुनाते हैं।
बात कहूँगा, एक सहज सी कलों से मुलाकात हुई और मैंने कहा सर मैं इंतजाम कर रहा हूँ धर्मपत्नी के साथ, तो आप अगर वहाँ आ जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उन्होंने बड़े ही सहज तरीके से कहा कि मैं आऊँगा तो ठीक है, आपके जन्मदिन में मैं भी रक्तदान करूँगा। तो बड़े सर्वत का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद आदरणीय नरेंद्र भाई साहब और सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, अस्पताल प्रबंधन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रक्तदान से किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। मैं लगभग 22 सालों से रक्तदान कर रहा हूं, 23 सालों से, जब मैं कई साल का था तब से मैं रक्तदान कर रहा हूं। और पहले मैं साल में या 6 महीने में करता था और उसके बाद फिर मैंने 7 साल पहले मंदिर से, मोरगंज में जो चित्यालय मंदिर है वहाँ से संकल्प लिया कि हर 3 माह मैं रक्तदान करूँगा और जब भी इस नश्वर देह का मेरे त्याग होगा उसको अग्नि को समर्पित ना करते हुए, मेरे परिवार वाले उसको अग्नि को समर्पित नहीं करेंगे बल्कि किसी मेडिकल कॉलेज में वो दान करेंगे, जिससे जो नए चिकित्सक आते हैं उन पर परीक्षण हो सके और मेरा अंग का दान किसी की मदद कर सके। जैसा सर ने पूछा तो ब्लड रक्तदान करने से किसी भी प्रकार से कोई कमजोरी नहीं आती, आप हर 3 महीने में रक्तदान कर सकते हैं और जो आप सामान्य भोजन करते हैं रोटी दाल चावल उससे आपका ब्लड वो बन जाता है। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दमों में लगभग 40 थैलीसीमिया के बच्चे हैं, आप उस परिवार की स्थिति सोचिए जिसके बच्चे को हर 8 दिन में हर 15 दिन में ब्लड लग रहा है, तो कैसे उस परिवार की स्थिति गुजरती होगी। मेरे पिताजी ने एक सीख दी है कि हर चीज़ अपने ऊपर घटाओ, आज मेरे परिवार में मान लो कोई थैलीसीमिया का बच्चा होता तो मेरे परिवार की क्या स्थिति होती, मैं वह आकलन शुरू से लगाता हूँ। और उन 40 थैलीसीमिया के बच्चों के लिए, किसी बच्चे के लिए 8 दिन में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, किसी के लिए 15 दिन में और किसी के लिए 1 महीने में निरंतर ही ब्लड की आवश्यकता पड़ती है। और यह ब्लड वो परिवार वाले उतनी व्यवस्था नहीं कर पाते, हम और आप जैसे रक्तदाता ही रक्तदान करके ब्लड की व्यवस्था उनकी कर पाते हैं। और यह ब्लड बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, कोई बड़ी बात नहीं है और किसी की मदद करने का सबसे सहज और सरल तरीका है रक्तदान। आपका 1 रुपया नहीं लगता बल्कि आपकी 7 प्रकार की ऐसी गंभीर बीमारियों की जांच भी हो जाती है जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, कि जो आपको अगर कोई बीमारी होगी तो उसका आपको पता भी चल जाएगा। और रक्तदान करने से हार्ट अटैक का मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्टर लोग बोलते हैं, हार्ट अटैक का जो भी घटनाएँ बहुत हो रही हार्ट अटैक की 50% तक कम हो जाते हैं। कैंसर की स्थिति भी आपकी, अगर कैंसर नहीं होता रक्तदान करने से, और भी बीमारियाँ, शुगर की बीमारी भी, तो आप मानवता के नाते भी रक्तदान करें। मानव, मैं आपसे ये कहूँगा कि मानवता के मन से कर दो यह ऐलान है कि दमों में जो है हम 3 लोग यहाँ पर रक्तदान कर रहे हैं और जिसमें मतलब मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ दीपक जैन जी का, जो कि दमों के आई थिंक सबसे ज़्यादा रक्तदान करने वाले लोगों में से है। उनका आज 47वां रक्तदान है लगातार, उन्होंने संकल्प लिया हुआ है रक्तदान का। आज वो अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर रक्तदान करने आए हैं, मैं उनकी धर्मपत्नी का भी साधुवाद करता हूँ कि वो आए हैं। और वाकई में ऐसे लोगों से हम सबको प्रेरणा मिलती है। मुझे बताया गया है कि उन्होंने देहदान का भी संकल्प लिया है, अंगदान का भी संकल्प लिया है, तो ये तीनों दान वो कर रहे हैं, रक्तदान, देहदान, अंगदान। मुझे लगता है कि जीवन में इससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं हो सकती और ऐसे लोग सबके लिए प्रेरणा है, वो दमों के लिए प्रेरणा स्रोत बन के उभरे हैं। और आज मैं भी कोशिश करता हूँ कि हर 3 महीने में रक्तदान करूँ, तो मैं आज यहाँ पर 3 महीने के बाद अपना रक्तदान करने के लिए आया हूँ। और मैंने देखा है कि रक्तदान के बारे में लोगों के मन में कई सारी भ्रांतियाँ हैं, लोग सोचते हैं कि हमारा ब्लड हम दे देंगे तो खून हमारा कम हो जाएगा, या फिर लोगों को लगता है कि हमने खून दे दिया तो हमको कोई बीमारी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रक्तदान करने से जो हमारी बॉडी से खून बाहर जाता है वो खून जो है उतना ही तेज़ी से हमारी बॉडी में फिर से बनता है और बल्कि ये हमारे को और अधिक स्वस्थ बनाता है। तो किसी प्रकार के भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। और एक बहुत बड़ी समस्या आती है जो हमने दमोह जिले में देखी है कि यदि मान लीजिए कोई गर्भवती महिला है और उसको ब्लड चढ़ना है और उसको ब्लड चढ़ना है, उसको ब्लड की ज़रूरत है, तो अब जो हमारा ब्लड बैंक है उसमें रक्त एक लिमिटेड मात्रा में होता है और उसका सिद्धांत यह है कि यदि आप ब्लड दोगे तो आपको ब्लड बदले में मिल जाता है। लेकिन हमने ये देखा है कि महिला के पति, महिला के परिवार वाले या जो मरीज के साथ आते हैं व्यक्ति, वो लोग रक्त ब्लड देने को तैयार नहीं होते और वो वापस चले जाते हैं। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। और इसके लिए सबसे बड़ी जो जो जिम्मेदार चीज़ है वो है भ्रम।
तो रक्तदान के संबंध में कोई भी भ्रम न पालें आप। 18 साल से लेकर के 65 साल तक की आयु में आप रक्तदान कर सकते हैं। यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप बिल्कुल रक्तदान कर सकते हैं। 3 महीने में एक बार आप रक्तदान आराम से कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपका ओ नेगेटिव ब्लड है, किसी को लगता है कि ओ नेगेटिव मेरा ब्लड ग्रुप है तो ये तो बहुत रेयर है, मैं किसी को नहीं दे सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। ओ नेगेटिव जो है वो सबको लगता है, तो इसीलिए ओ नेगेटिव की तो और ज़्यादा अहमियत है। तो ओ नेगेटिव हुआ, ए बी पॉजिटिव हुआ, ये ब्लड लोगों को मिलते नहीं है आसानी से। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि रक्तदान की इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके भाग लें। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। एक अकेला व्यक्ति दीपक जैन जो है, तो एक दीपक से 1000 दीपक जलने चाहिए। मुझे लगता है कि यदि ये प्रेरणा हम सबको मिले, हम अधिक से अधिक रक्तदान करें, तो क्या हो रहा है कि हम उनको बचा पाएंगे जिनके लिए रक्त तो उनके घर वाले नहीं देते हैं और उस कारण से उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो 2 चीजें हमको करनी है, एक तो अधिक से अधिक रक्तदान करके लोगों की जिंदगी बचानी है, और दूसरी चीज लोगों के मन से ये भ्रम, ये भ्रांति निकालनी है कि रक्तदान से उनका शरीर कमजोर हो जाएगा, रक्तदान से उनको कोई बीमारी हो जाएगी। सब कुछ नहीं होता, बल्कि वो और स्वस्थ और मजबूत होते हैं। और इसका सबूत है दीपक जैन जी, जो कि 47 बार से रक्तदान कर रहे हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। मैंने रक्तदान किया, हम लोग सब स्वस्थ हैं, तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी से और खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के हमारे ग्रामीण भाई बहनों से निवेदन करूंगा कि आप रक्तदान में अधिक से अधिक भाग लें। ये रक्तदान जीवन दान का प्रतीक है। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लखी डीसीएन न्यूज। कुशवाहा समाज का चुनाव संपन्न हुआ जिसमें ईश्वरदास कुशवाहा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व सरपंच जी, आपको अध्यक्ष की जिला बनाया गया, क्या कहना है? आपको निर्वाचित किया गया है, आपको क्या समाज के लिए क्या कार्य करेंगे और क्या दिशा रहेगी? समाज के मेरे लिए आज जो निर्विरोध चुने गए हैं, तो मैं समाज के लिए विशेष शिक्षा, व्यवसाय, पुरानी रूढ़िवादियों को खत्म करना, नई दिशा देना, और समाज के लोग जो भी अपने विचार से हमें सुझाव देंगे, हम इस पर काम करेंगे। राष्ट्रीय संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के जन्मदिन के अवसर पर तव में अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वहीं नैमी नगर में भी महाआरती का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ पर एक फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में समाज के लोग प्रचलन करने, अभी भी बहुत से गीत प्रचलित नहीं हुए हैं। शीघ्र गतिशील गाय समस्त नैमी नगर जैन मंदिर आसामी बताइए। ये कार्यक्रम हुआ है किस विषय में? ये आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज और आचार्य गुरुवर समय सागर जी के महाराज शरद पूर्णिमा के दिन जन्म दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और उनकी समाधि होने के बाद जो जन्म से लेकर समाधि तक एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है, उसको आज हम नैमी नगर कॉलोनी के प्रांगण में दिखा रहे हैं। और एक शरद पूर्णिमा का जो एक हमारे लिए उत्सव है, अभी हमने नैमी नगर कॉलोनी में रक्तदान शिविर भी किया था, सेकेंड करी में ये हमारा दूसरा कार्यक्रम चल रहा है। जो जिन लोगों को डॉक्यूमेंट्री का एक मोबाइल में रहता है तो मोबाइल को उतना अच्छा नहीं दिखता, तो LED स्क्रीन पर पूरा दमो के लिए हम लोग दिखा रहे हैं। उसी के शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। साल में पड़ने वाला करवा चौथ का व्रत अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है। महिलाओं के द्वारा ये व्रत जो है वो निर्जला रखा जाता है। शाम के वक्त चांद का दीदार करने के साथ पति का दीदार करती हैं और फिर अपना व्रत खोलती हैं। विधि विधान से पूजन अर्चन होता है। साथ ही हम आपको बता दें कि दमों के बाजारों में खासी रौनक देखी गई।
करवा चौथ का व्रत है, इसके चलते महिलाओं के द्वारा जमकर खरीदारी, पति की दीर्घायु और परिवार में सुख शांति समृद्धि के लिए व्रत किया जाता है। क्या मानना है आपका, लोग क्यों नहीं निकल रहे इस बार? घर घर बीच में जाते हैं, वहाँ से भी खरीद देते हैं, और अब हो सकता शायद शाम तक लेने आए, बाकी आप कम देते। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। दमोह जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को पर्याप्त उपचार नहीं मिलता, न ही व्यवस्थाएं मिलती हैं। इसको लेकर कई बार मीडिया के द्वारा जब खबरें दिखाई जाती हैं तो प्रबंधन कई तरह के आरोप लगाता है, लेकिन दमोह कलेक्टर जब यहां पहुंचे तो उनके सामने सारी पोल खुल गई। बताया जाता है कि मरीजों को खासी परेशानी होती है। क्या आपको व्यवस्था बनाई है जिससे कि ये ऐसी स्थिति ना हो कि लोग नीचे रहें? कितने बेड का? 10 बेड का आइसोलेशन सर, और 40 का बिस्तर है, 40 का बेड का बेड के साथ चलो बेड भी एडजस्ट हो जाता है, सब जान रहे हैं कि यार पेशेंट ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी इवेंट पे तो बराबर मिलेगा। भाई देखिए आप बेड के बारे में तो आप बाकी फैसिलिटी ढंग से दीजिए, जैसे अभी बता रहे हैं कि एसी वो कर रहा है, तो मेरा कहना ये है कि आप लोगों का काम है कि आप डेली बेसिस पे आके देखिए ये चीजें, किसी बड़े अधिकारी ये बोल रहे हैं। दूसरा बाजू वाला कौन सा? अच्छा ये आप खुद लेके आए वाले इससे खुद लेके आया हूँ, वार्ड बॉय नहीं है, नहीं नहीं है सर, इसको तो हम और सर वो क्या थोड़ी हेल्प चौथी बंदर की सरकार की बात है, राशन कार्ड होने के बाद भी हमें अस्त्रों की मदद इस चीज के सर ये गरीबी रेखा का कार्ड लगाया था 35 किलो उनको राशन कल भी तो हटी है और मरीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये तो ऐसा लग रहा है जो कि सामान्य आदमी के अकॉर्डिंग है, जिस तरह का इसमें सब कुछ है, तेल मसाला वगैरह, ये तो आम आदमी के लिए है, पेशेंट के हिसाब से कम से कम मिर्च, कम से कम तेल, तो ये कौन दे देगा? ठीक कर पाओगे नहीं तो आप अभी ठीक कर पाओगे, आपको लगेगा आप जाओ जरा आप ट्रेन में जाओ और वो बोलेंगे सर दो आइटम खत्म हो गए, तो आपसे चिल्लाओ उसको कि सर हमने टिकट में तो 1000 रुपये पूरे लिए होंगे और 3 आइटम आपने कम कर दिए, तब हम चिल्लाएंगे कि नहीं ट्रेन वाले? तो फिर यहाँ पे भी ये होना चाहिए कि भाई वो कुछ नहीं कहते, इसका ये मतलब थोड़ी कि खाना कम पड़ जाएगा, हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, हमको व्यवस्था देनी चाहिए पूरा खाना, भले 10 लोगों का ज़्यादा बन जाए लेकिन कम नहीं पड़ना है, ये आप इंश्योर करें, तो डेली टेस्ट होना चाहिए और ये बिल्कुल उनके अनुकूल होना चाहिए, और मेरा कहना ये है कि इस मामले में पेशेंट्स का फीडबैक लेना चाहिए आप इस इंफॉर्मेशन।
इनफॉर्मल फीडबैक हुआ, मतलब जिससे कि लोग बताने को इच्छुक हों आपको कि हाँ सर डर, सबको डर लगता है कि कौन बताए परेशानी हो, तो ये चीज़ हमको खुद करके देखनी है। हफ्ते भर में एक बार आपने कुछ चखा जैसा भी मैंने चखा, और ये दोनों में मिर्ची बहुत तेज कैसे खाएंगे फिर वो फेंकते गंदगी। दूसरी चीज़ आप देखो खाना कितना वेस्ट होता है, लोग खा नहीं रहे। अब आपको पता करना चाहिए कि लोग खा क्यों नहीं, रोटी क्यों छोड़ी उन्होंने, क्यों खिचड़ी छोड़ी है, क्यों रोटी नहीं, देखा जा रहा है इनकी समस्याएं क्या हैं, इनको लीजिए साथ में और ग्राउंड लगाइए, तब तो पता चलेगा आपको कि ये समस्याएं हैं। और इनको बोलिए कहीं से यहाँ बेडशीट की व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ बेडशीट की व्यवस्था कराइए, उससे बोलिए कि एक्स्ट्रा जो उसके अनुबंध के अनुसार देनी है वो दे, और धुलवा करके लाने का पूरा साइकिल स्टडी करिए कि हो क्या रहा है इसमें, तब तो पकड़ में आएगा। फिर तो क्या मतलब, चादर वगैरह हम लोगों ने पैर से कि पानी वहाँ में गिर गया नीचे ले गई है, और हमने उसके लिए हमने वहाँ चादर लगाया कि कहीं वो हमारा पलंग भी गीला है, वो बिस्तर जो बिछाया वो भी गीला ना हो जाए। दो तीन बार आए कुछ नहीं हुआ, फिर वापस हमने एक उनका बेड खिसकाया, बेड खिसकाने के बाद हमने अपने उसके नीचे जो बिछा था उसको खिसकाया, बस फिर एडजस्ट किया सर। मच्छर सर अगर 5 मिनट अगर आप रुक लेंगे सर तो कम से कम 10 मच्छर तो आपको निश्चित रूप से काटेंगे। अब कल से 2 दिन हम हैं सर, हमें ठंड लगने लगी है और हमारे हाथ पर दुखने लगे, हमारी एक बेटी यहाँ पर सर, एक बेटी उस कमरे में। चीजें हमको देखनी चाहिए, ऐसी ऐसी परेशानी लोग झेल रहे हैं, आप और हम झेल के देखें कैसा लगता है। अपन जाके देखें एक दिन अपन एडमिट हुआ ऐसी जगह कैसी हालत हो। सर मैं एक बात करना चाहता हूँ, चीज भी नहीं दे सकते। देखा और सुना आपने, ये है दमो जिला अस्पताल की हकीकत, जिसने अधिकारियों को आईना दिखा दिया। दमोह कलेक्टर अव्यवस्थाओं पर काफ़ी नाराज़गी उनके द्वारा जाहिर की गई और कहा गया कि व्यवस्थाओं में समय रहते सुधार किया जाए। संजय सरवरिया, लकी डी सी एन न्यूज़। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दमो में जय गुरुदेव के शिष्य मंडल के द्वारा आज एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से ये शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला बच्चे और युवा तमाम लोग शामिल थे। जय गुरुदेव का एक ही नारा है कि शाकाहारी लोग नशा मुक्त हों, समाज में शाकाहारी लोगों की संख्या बढ़े और समाज में किसी प्रकार का विषय कहाँ से कहाँ ले जा रहा है। ये हमने जटाशंकर धाम से इसकी शुरुआत की थी, और जटाशंकर से कीर्ति स्तंभ होते हुए घंटाघर, घंटाघर से सीधा स्टेशन चौराहा, स्टेशन चौराहे से बस स्टैंड चौराहा, बस स्टैंड चौराहे से स्टेट बैंक चौराहा, तीन गुल्ली से जबलपुर नाका, और जबलपुर नाका से वापस जटाशंकर धाम में इस यात्रा का समापन करेंगे। क्या क्या संदेश देना चाह रहे हैं। ये हम लोग हमारे गुरु महाराज का ये मिशन है, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, यानी लोगों को शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त चरित्रवान बना करके सतयुगी यानी कि वातावरण इस धरती पर आ जाए, ताकि लोगों को सुख शांति सुकून मिल जाए। यह संदेश हम लोग बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वालों के मार्गदर्शन में सभी मानव जाति तक पहुंचाना चाहते हैं। सभी लोग ईश्वरवादी खुदा परस्त भजनानंदी बने, यह हमारे गुरु महाराज का उद्देश्य है। क्या नाम देखते हैं आप। हमारा नाम श्री देवी सिंह लोधी, बाबा जय गुरुदेव संगत, मध्य प्रदेश प्रांतीय व्यवस्थापक प्रचार प्रसार विभाग की। संजय सरवरिया, लकी डी सी एन न्यूज। नगर के मानस भवन सभागार में संस्कृति मंत्रालय भोपाल के सहयोग से युवा नाटमंच दमो के द्वारा आयोजित किया जा रहा 20वें राष्ट्रीय नाट्य समारोह के चौथे और अंतिम दिन भोपाल के चेतना रंग समूह द्वारा रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सर्दी की फिर वही रात की प्रस्तुति दी गई। दर्शकों के द्वारा काफ़ी तारीफ की गई, कलाकारों के द्वारा काफ़ी
जी हाँ, पर कला का जलवा दिखाया गया। लगातार स्थानीय लोगों के द्वारा उनकी जमकर तारीफ की गई। लोग इस नाटक में खोए हुए नजर आए, लगातार ठहाके लगते रहे। कार्यक्रम के अंतिम दिन युवा नाट्य मंच के दमों के प्रमुख राजीव आयाची के द्वारा तमाम जनमानस का आभार जताया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दबाव। वर्ष अनुसार इस वर्ष भी बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमों के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत, हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमों के मंच पर नजर आती है, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहां पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए, आप अपना वीडियो इस नंबर पर दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हैं, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर। दमोह जिला अस्पताल में फैली ही अव्यवस्था, दमोह कलेक्टर ने जताई नाराजगी। अवैध रूप से शराब लेकर जा रहे 2 युवकों को पकड़ा भगवती मानव कल्याण संगठन ने। नैमी नगर में किया गया महाआरती का आयोजन। पत्नी के साथ रक्तदान करके दीपक जैन ने मनाया जन्मदिन, दमोह कलेक्टर ने भी किया रक्तदान। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मेरे चाचा। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे, साथ चले। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को यह कहने की क्या जरूरत थी,
ये बैगन की बातें नक्को करो जी, तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारो, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता देखो। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।